नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रीवा टीवी और मैं हूं कुंदन चौरसिया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गांव के एक देवी स्थान पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हमारे भाइयों सनातनियों की एक भीड़ है। आइए हम इन लोग से थोड़ा सा जानते हैं कि आज ये लोग क्यों इकट्ठा है और इनके मन में आखिर कौन ऐसा खुशी है जो ये लोग इतने हर्षित हैं, और आखिर इसके पीछे का राज क्या है। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार हुआ। अच्छा, आज यहाँ पे इतना लोग इकट्ठा क्यों हैं? आप लोगों को पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को। अच्छा अच्छा, वहाँ से जो अक्षत आया है। हाँ। हमारे रामचौड़ा घाट से, हमारे गुरौल प्रखंड पे, गुरौल प्रखंड से हमारे कटरमाला पंचायत में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यानी कि राम मंदिर से जो अक्षत आया है लोगों तक निमंत्रण पहुंचाने के लिए, उसी को रिसीव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज बताइएगा कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, कितना खुश हैं आप? आपके माध्यम से सुनने वाले सभी को पहले तो सादर जय श्री राम। आखिर खुशी तो होना चाहिए, 500 बरस का इतिहास रहा, लड़ते लड़ते आज हम लोग को कामयाबी मिली है, तो इस चीज का खुशी मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, आप तमाम यहाँ पे हिंदू विरोधी लोग से क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कोई हिंदू विरोधी नहीं है। हमारे समाज में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं सब हमारे लिए एक समान है। ना तो कोई हमारा दुश्मन है समाज में, ना ही कोई पराया है। अच्छा, लेकिन एक हवा सुनता हुआ दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर बन के उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन कोई कहता है कि सरकार हटने के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा, उस पर बम मार दिया जाएगा। इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए तो। सरकार हटेगी तब ना, अभी हमारी सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकती नहीं। है। अच्छा, कोई बम मारने का धमकी दिया है, उसको कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर पर बम मारना मतलब सभी सनातनी हिंदू भाइयों के आस्था पे बम मारना एक समान होगा। तो मंदिर पे बम मारा जाएगा तो ये सभी देश के या विश्व के सभी सनातनी चुप तो बैठे रहेंगे नहीं रहेंगे। हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, इसका प्रत्युत्तर मिलेगा। चलिए एक बार जोर से हम लोग जयकारा मनाते हैं, क्योंकि खुशी कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है और हम भी राम के रखवाले हैं। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको। ये आवाज और ये खुशी आप देख सकते हैं किस प्रकार हर्षित हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे रामलला की आने की खुशी।